फिर अभी आपका भाई अभी पूरा टेंशन मुक्त है, अभी पूरा बढ़िया हो चुका है और आपका भाई कल जाने वाला है नासिक एक्सप्लोर करने के लिए। अभी आप मेरे आजू बाजू के नजारे देख सकते हो, तो मिलते हैं ब्रो कल। तो फिर कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज तारीख है 2 अप्रैल सुबह के बजे है 9। बात कुछ ऐसी है, अभी आप इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे कुछ पोस्ट आप देख सकते हो। आप रीड कर ले यार, इसके ऊपर मैं अभी कुछ ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, बट दो या तीन चीजों का यहाँ पर जिक्र करना चाहता, जो कि जब मैं हॉस्पिटल में था तो फिर यहाँ पर मैं सिद्धि हॉस्पिटल जो कि नासिक के सेंट्रल में ही है, ओके, तो नासिक के जो पीपल्स है वो बड़े सपोर्टिव है, क्योंकि जो नीचे जो लड़का है वर्किंग काम करता था उसने मेरे को हर बार गाड़ी दी, प्लस जब भी मैं कुछ दवा वगैरह लेने जाता था वो हेल्प करता था, प्लस मेरे जो भी नासिक के कुछ दोस्त थे फ्रेंड्स थे वो भी मतलब मुझे कॉल करके बोलते थे भाई किधर है, लगे आ जाते थे, तो फिर थैंक्स टू ऑल ऑफ देम गाइस। तो करंटली आई एम इन रामवाड़ी पंचवटी के नजदीक है और मुझे 5 बजे रेलवे स्टेशन जाके पुणे को भी आने का है, तो फिर 5 बजे से पहले अपने को पूरा नासिक घूमने का है। तो पूरा नासिक नहीं घूम सकते बट ज्यादातर प्लेसेस हम एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे, तो फिर बस यार जुड़े रहिएगा। कुछ ऐसा हो रहा है कि आपसे बात करने में मैं बहुत ही हिचका रहा हूँ, क्या पता यार 2-4 दिन से हमने ब्लॉगिंग क्या करना छोड़ दिया, अभी आपसे बात करने में मुझे डर लगता है। अभी मैंने पीछे नीचे बहुत सी चीजें मैंने प्लान की थी कि भाई को ये बात करनी है वो बात करनी है, तो बात कर ही नहीं पाया। कॉल आ रहा कोई नहीं। ओहो आज ही लगा ली डॉम्बेट बना था ये तो मौसम। हाँ छोटू बाय बाय बोल। बाय 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 तो कर। तो फिर गोदावरी पुल के ऊपर से आपका भाई चलते चलते ब्लॉगिंग करता हुआ और मैं अभी जा रहा हूँ अशोक स्तंभ और आगे CVS बस स्टैंड के ऊपर टाका नदी टाकू नहीं नदी जैसे सोचते थे कि राखा पवित्र राखा। तो फिर चलते चलते हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अशोक स्तंभ के यहाँ पर। और एक बात पता है आपको, मैंने अपना इंट्रो ही नहीं दिया आपको। ओके नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत मजे में होंगे। तो फिर हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ओम बजरंग मिसल सेंटर। भाई यार ही गोष्ट मराठी तो नसायला हवी, कारण की मी ज्या पण नाशिककरांकडे अप्रोच केलेला आहे आतापर्यंत त्यांच्याकडून आज एकदम वेगळीच वाईट असता। प्रत्येक नाशिककर हा एक सपोर्टिव्ह असतो, प्लस आता मी कागांबद्दल बोलायचं झालं आता आजूबाजूला सर्वीकडे इथं क्लासेस चालता वर्ग चालता। काकांनी इथं एक स्पेशल सोय केलेली आहे मिसळ वडा। काका तुम्हाला त्याच्याबद्दल एक 2 शब्द सांगतील या पुढच्या क्लिप मध्ये। बस स्टैंड गड़े काका का वेट कर रहा हूँ अपने सिस्टर के दुल्हिया से आने वाले पार्सल का, और अपने जुनेद भाई भी आ चुके हैं अपनी ऑडी लेकर, मतलब अपनी यूनिकॉर्न लेकर। तो फिर यार
दस मिनट में वो बोले कि आ रहे, तब तक आप ये सीन देख लो बस स्टैंड के जो मैं अभी कैप्चर करने जाऊंगा मेरे कैमरे से छोटे से। बॉटल गाड़ी आ चुकी है हमारी अगर पार्सल आल काम से इधर नौ वाजे पास थाम लो तो माई मैंने इधर नौ पर गाड़ी में लगे मैंने जोड़े देना कपड़े हाँ कपड़े से जोड़े देना धन्यवाद काका। तो ले लिया है अभी हमारे जुनेद बाबा शुभम भाऊ की भी एंट्री हो चुकी है, अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से जाएंगे घूमने। तो कैसे वैसे जैसे तैसे हमारे शुभम दादा भी आ चुके हैं हमारे वीडियो में, बड़े ही शर्मा रहे हैं अपना मुंह दिखाने में ये नहीं जा रहे। ऑलराइट ब्रदर, तो फिर जाते हुए हम हॉस्पिटल की तरफ, आईटीआई सिग्नल के नियर ओसीसी हॉस्पिटल है, और हमारे शुभम भाई ब्लॉग में आना नहीं चाहते इसलिए वो अपनी उंगलियां दिखाते हुए और कुछ बोलिए शुभम भाई, आपकी आवाज तो आ जाएगी यहाँ पर आपकी। अरे बाप रे शुभम भाई ब्लॉग में बोलना भी नहीं चाहते, देखो यार कितने अरे बाप रे, बहुत ही शर्मीले किस्म के आदमी है ये, पर अभी जान दो यार तुमको दिखा नहीं सकता मैं, पर जो जानने वाले समझ जाएंगे शुभम भाऊ। पचास कर लो दादा, देख रहे हो भैया हमारी किस तरह से लूट मार चल रही है हमारे। अरे फिर ऐसे ही चलते चलते नासिक नाम दिख गया, और ये हम कौन सी जगह पे रे भैया? कॉलेज रोड, अभी हम जा रहे हैं कॉलेज रोड की तरफ, हम अभी हमारे जो कैमरा है अभी बदर। तो फिर इस बात का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि जिस बंदे को मैं बड़े ही बेकार समझता था, अरे दो मिनट हड़ू है ना, दो मिनट डोंट वरी, जिस भाई को मैं मतलब बहुत ही कमी ना समझता था, उसने यार देखो ना यार मतलब जो कि अपना मुकड़ा सेफ रखना चाहते, आपको अपना मुकड़ा दिखाना नहीं चाहते, वो बड़े डरते है इस कैमरे से, पर यार मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा, भाई ने पहली बार मेरे लिए कुछ कर्जा किया, अभी तक मैं भाई के लिए क्या क्या ले चुका हूँ अभी मेरे को ही पता है। नहीं नहीं जान दो, अभी दिखाऊंगी आपको कैमरे के सामने आने का ही आ रहा है अभी इधर उधर आपके लिए प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, देखेंगे रामकुंड जाने का सोच रहा, पहले तो अपने जुनेद भाई की एग्जाम चलेगी उसके बाद देखेंगे ओके। और 5 बजे का ट्रेन पर जाने का प्रोग्राम जो था वो मैं भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 5 बजे के बाद भी अपने को बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने की है, और प्लस दोस्तों फिर बात कुछ ऐसी हुई, अभी हम यहाँ पर आए हैं टेक फार्म, किधर है हम जाते हैं लविंग जूनो की एग्जाम होने के कारण हम यहाँ पर आए थे, और यहाँ से हम जाने वाले हैं आगे रामवाड़ी में। ये क्या चल रहा है? बहुत टाइम पास चल रहा है, बोर हो रहा है। टाइम पास नहीं चल रहा है, ये सब लाइनिंग वगैरह चेकिंग वगैरह चल रही है यहाँ पर। तो फिर हम आपको कुछ ज्यादा दिखा नहीं पाए, क्योंकि अभी दोपहर हो गई है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, जिसके कारण हम बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। बहुत आए तो अपने धूले में इधर का कुछ नहीं है ओके। तो मिलते हैं यार रामवाड़ी में जाएंगे, वहां पर जाके पंचोटी वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, बाकी कुछ एक दानक की बगावर का इंजीनियर ब्लॉग यूट्यूब ला सर्च करा था सर कि तुमको वीडियो आएगा यूट्यूब ला। तो फिर अभी बच चुके हैं 4:30, अभी मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है कि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा बन जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही भाई लोग। अभी मैं जा रहा हूँ अपने जुनेद भाई को पिक करने के लिए अमृत धाम पर, और उसके बाद मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एक्सप्लोर करूंगा मैं रामकुंड और मे बी सुला वाइने यार ऐसा कुछ।
तो फिर गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक वगैरह तो आपको पता ही है। बस यार बस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।